शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे चार ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें शिवलिंग का पूजन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं सावन मास प्रारंभ हो चुका है और प्रत्येक मनुष्य इस दौरान चाहे वह शिवलिंग पर जाकर जल अर्पित करना हो, चाहे सूक्ष्म रूप से पूजन करना हो, या फिर कुछ लोग रुद्राभिषेक करते हैं तो कुछ लोग रोजाना विशेष पूजन अर्चन करते हैं, तो इस पूजा में हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और शिव महापुराण से ही ये सारी जानकारियों को एकत्रित किया गया है। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ में यही महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने वाली हूँ। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य रूप से शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं महादेव इतने सरल सहज भगवान है जो कि आपकी साधारण से साधारण पूजा को भी स्वीकार करते हैं, परंतु आज का ये जो वीडियो है केवल हमारी जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि शिव महापुराण में यदि कुछ बातें लिखी हैं तो वे गलत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कहा जाता है महादेव को सच्चे हृदय से यदि हम एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो वह भी महादेव स्वीकार करते हैं, सच्चे हृदय से हमारा पूजन स्वीकार करते हैं। परंतु शिव महापुराण के अंतर्गत ही कुछ विशेष जानकारियां दी गई है जिसका कि हम खंडन नहीं कर सकते। सबसे पहली जानकारी हमें मिलती है, जब भी हम शिवालय में पूजा अर्चना करने जाते हैं या फिर अपने घर में ही पूजा अर्चना कर रहे होते हैं तो सही दिशा का हमें चयन करना चाहिए। अक्सर हम सभी यही गलती करते हैं, जैसा कि आप मुझे भी देख पा रहे होंगे, पूर्व दिशा में बैठकर कभी भी भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, यानी कि आप पूर्वाभिमुख होकर भगवान का पूजन अर्चन नहीं कर सकते। विद्वेश्वर संहिता जो कि शिव महापुराण का ही एक खंड है उसमें वर्णन मिलता है, पूर्व में भगवान का मुख्य द्वार माना गया है, भगवान का मुख भी होता है और नंदी जी भी पूर्व दिशा से महादेव की ओर दर्शन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो बीच में अवरोध बनकर हमें पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। विद्वेश्वर संहिता में हमें यह वर्णन मिलता है। दूसरा वर्णन हमें मिलता है उत्तर की दिशा में बैठकर, यानी अर्घ्या के सामने की तरफ बैठकर कभी भी हमें भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तर की ओर भगवान का वाम अंग होता है, वाम अंग मतलब माता पार्वती का स्थान, तो पार्वती जी के स्थान पर बैठकर हम भगवान की पूजा अर्चना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब जो अन्य दिशा की हमें जानकारी मिलती है वह पश्चिम दिशा की जानकारी है, पश्चिम दिशा में कभी भी भूल से भी बैठकर हमें पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस तरफ भगवान की पीठ मानी गई है तो पीठ के दर्शन करना कभी भी सही नहीं माना जाता और प्रणाम करना भी कभी सही नहीं माना जाता, तो पश्चिम की दिशा में हमें भूल से भी नहीं बैठना चाहिए। तो अब मन में बात आती है कि हमें पूजा किस दिशा से बैठकर करना चाहिए, यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपके सामने फोटो लगा रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा हमें किस दिशा में बैठना चाहिए। ये वीडियो खैर बहुत ज्यादा पुराना है जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि उस समय पे मंदिर में भीड़ थी तब मैं इस दिशा में बैठी थी, नहीं तो जो सही दिशा मानी गई है शास्त्रानुसार वो है उत्तराभिमुख होकर, यानी कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आपकी जो पीठ है वो दक्षिण दिशा की ओर करके आपको भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। वैसे जब भी मैं रोजाना जल चढ़ाने मंदिर जाती हूँ या मैं सूक्ष्म रूप से जो भी पूजन अर्चन करती हूँ तो वो उत्तराभिमुख होकर ही करती हूँ, और यहाँ पर क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था आप लोगों के लिए, ये पशुपति व्रत का वीडियो था इसलिए मुझे इस दिशा में बैठना पड़ा, तो मैं आपसे क्षमा याचना चाहूंगी, क्योंकि आप सबसे पहले मुझे यही कमेंट करेंगे कि दीदी आपने भी सही दिशा का चयन नहीं किया है, तो मैं जानती हूँ ये दिशा सही नहीं है, परंतु उसमें मुझे आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना था इसलिए मुझे इस तरह से बैठना पड़ा, नहीं तो जहां पर मेरी थाली रखी हुई है आप देखिए थाली जहां पर रखी हुई है इस तरह बैठकर भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है, यही शास्त्रानुसार सही दिशा भी बतलाई गई है। और मैंने अपनी पहले की वीडियोज में भी शिव महापुराण की कटिंग भी डाली थी, यदि आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शिव महापुराण के अंदर ही दिशाओं के बारे में लिखा हुआ है कि किस दिशा में बैठकर हमें पूजन अर्चन करना है, और यहाँ पर भी कभी मुझे कटिंग मिल गई अभी तो मैं बिल्कुल लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। शिव महापुराण में जो अगला वर्णन हमें मिलता है वो ये मिलता है शिव पूजा करने के लिए शिव जैसे बने, क्योंकि महादेव को आप सभी जानते हैं रुद्राक्ष बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और भस्म उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो पुरुष जब भी पूजन अर्चन करने बैठते हैं तो भस्म से मस्तक पे त्रिपुंड धारण कर सकते हैं, गले में रुद्राक्ष धारण करके महादेव का पूजन अर्चन करें, जिससे कि महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महादेव की प्रिय वस्तु है ये और प्रिय वस्तुओं को देखकर महादेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपकी पूजा को स्वीकार भी करते हैं। और महिलाएं यदि पूजा करने बैठ रही है तो भस्म धारण नहीं करना चाहिए, तो वह चंदन से भी मस्तक पर त्रिपुंड बनाकर गले में रुद्राक्ष धारण करके महादेव का पूजन अर्चन कर सकती हैं, परंतु रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम होते हैं तो उन नियमों का आपको महिलाओं को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये अगली जानकारी है, महादेव की पूजा जब भी आप करने बैठे सात वस्तुओं के साथ आपको महादेव का पूजन अर्चन करना चाहिए, और देखिए सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास भी इस दौरान आपको मिल रहा है, तो शिव महापुराण को आप पढ़ना शुरू करें, ये सारी चीजें आपको शिव महापुराण के अंदर वर्णित मिल जाएगी, क्योंकि ये चीजें कहीं से भी उठाई हुई या बताई हुई नहीं है, महादेव के मुख द्वारा कहित ये सारी चीजें हैं, तो आपको शिव महापुराण जो कि गोरखपुर की शिव महापुराण है उसमें आपको इन सारी चीजों का वर्णन मिलता है। अगली चीज, सात चीजें जो आपको अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए, सबसे प्रथम है बेलपत्र, बिना बेलपत्र आपकी पूजा उसी तरह अधूरी है जिस तरह श्रीकृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी दल न अर्पित किया जाए, जैसे कि श्रीकृष्ण को तुलसी दल सर्वाधिक प्रिय है, महादेव को बेलपत्र प्रिय है, महादेव पर यदि एक बेलपत्र को अर्पित कर दिया जाए तो वह हजारों स्वर्ण मुद्राओं के समान माना जाता है, और यदि बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र को चढ़ाते समय तीन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला बेलपत्र सही तिथि में टूटा हुआ हो, और दूसरी चीज
जब भी आप बिलपत्र चढ़ाएं, बिलपत्र कहीं से भी कटी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। तीन दल से ज्यादा की बिलपत्र यानी तीन पत्तियों से अधिक की बिलपत्र शुभ मानी जाती है। बिलपत्र चढ़ाते समय बिलपत्र का जो पिछला भाग होता है, अक्सर अपनी वीडियो से बताती हूँ, डंठल को तोड़कर अर्पित करना चाहिए। और यदि पूजा के दौरान आपको बिलपत्र नहीं मिल पाता है तो महादेव पर जो पहले से चढ़ी हुई बिलपत्र है, महादेव से आज्ञा लेकर, महादेव से प्रार्थना करते हुए उस बिलपत्र को उतारकर वापस से धोकर चंदन लगाकर आप महादेव को पुनः समर्पित कर सकते हैं, जिससे कि महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दूसरी वस्तु जो कि आपकी पूजा में अवश्य रूप से होनी चाहिए, जल का पात्र। घर से यदि मनुष्य तांबे के लोटे में जल भरकर मंदिर लेकर जाए और मंदिर जाने में जितनी दूरी आप तय करते हैं उसे कांवड़ यात्रा के समान पवित्र माना जाता है, पावन माना जाता है, तो प्रत्येक दिन आपको सावन में अपने घर से जल ले जाकर महादेव के ऊपर अर्पित करना चाहिए। तीसरी चीज जो आपकी पूजा में आपको सम्मिलित करनी चाहिए वह है काले तिल। काले तिल मिलाकर यदि महादेव के ऊपर अभिषेक किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जल धारा शिव प्रिय, जल की धारा शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो आप एक चुटकी तिल रोजाना यदि महादेव के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के समस्त दुख दूर होते हैं। क्योंकि तिलों को मिलाकर यदि हवन किया जाए तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि शिवलिंग के ऊपर तिल चढ़ाए जाए तो जीवन के सभी कष्ट कट जाते हैं, पितरों की तृप्ति होती है, और साथ ही साथ जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहे होते हैं उसे महादेव समाप्त करते हैं। और 108 तिल को यदि आप जल में एक एक करके डालें, ओम नमो भगवते रुद्राय कहते हुए, और उस जल से महादेव का अभिषेक करें, तो महादेव आपके जीवन के समस्त कष्टों को काट देते हैं। तो आप चाहें तो जल में तिल मिलाकर महादेव का अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो एक चुटकी तिल भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित किए जा सकते हैं। अगली वस्तु जो कि महादेव की पूजा में हमें सम्मिलित करनी ही चाहिए वह है चंदन। चंदन से यदि शिवलिंग के ऊपर ओम बना दिया जाए तो उससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य नष्ट होता है, और यदि बेलपत्र पे चंदन लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया जाए तो उससे हमारे जीवन के अमंगल का निवारण होता है। और चंदन शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने से मनुष्य कभी भी भूत पिशाच की योनि में नहीं जाता, महादेव उस व्यक्ति के जीवन के समस्त दुख और ताप हर लेते हैं। तो चंदन आपको अपनी पूजा में सम्मिलित करना ही चाहिए। अगली वस्तु जो आपके पास अवश्य रूप से होनी चाहिए, आपकी पूजा में आपको सम्मिलित करनी चाहिए, वो होता है दीप। आप चाहे तो घी का दीप जलाएं, चाहे तो तिल के तेल का दीप जलाएं। और इतना ही नहीं, श्रावण मास में यदि दीपदान किया जाए तो अथा गुना फलों की हमें प्राप्ति होती है, और दीपदान करने से अथा ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, जो कि हमें शिव महापुराण के इंद्रखंड में पढ़ने को मिलता है। तो श्रावण मास में आप ज्यादा नहीं कर सकते, तो केवल 11 दीपों से भी दीपदान रोजाना यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एक दीपक भी रोजाना शाम के समय प्रदोष काल में आप महादेव के मंदिर में जाकर जलाकर जरूर आएं। इसके पश्चात आपको जो अन्य वस्तुओं की पूजा में शामिल करनी चाहिए वो होते हैं पुष्प। पुष्प में यदि आपको रोजाना कमल का पुष्प मिल जाए तो बात ही क्या है, यदि कमल का पुष्प नहीं मिल जा सकता है आपको तो आप गुलाब के पुष्प ले सकते हैं, आप सफेद रंग के पुष्प ले सकते हैं। अपने दोनों हाथों के अंदर पुष्पों को लेकर जो भी महादेव को समर्पित करता है, महादेव उसके दोनों हाथों की जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती हैं उसको समाप्त कर देते हैं। परंतु फूल चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, फूल बांस से मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। जो पुष्प धरती पर गिर जाते हैं उन गिरे हुए पुष्पों को उठाकर शिवलिंग के ऊपर कभी भी समर्पित नहीं किया जाता है। ये हमें वाइवीय संहिता में पढ़ने को मिलता है कि महादेव के ऊपर आप जब भी पुष्प अर्पित करें स्वच्छ ताजे खुशबूदार पुष्प अर्पित करें। पुष्प यदि सुगंधित पुष्प हो तो उसे हमें सूंघना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और धरती पर गिरे हुए पुष्पों को उठाकर कभी भी हमें अपनी पूजा में शामिल नहीं करना चाहिए। अन्य वस्तु जो कि सातवीं और आखिरी वस्तु है जो कि हमें अपनी पूजा में जरूर शेयर करनी चाहिए वह है नैवेद्य। नैवेद्य में आप गुड़ या खीर कुछ भी रख सकते हैं, या चाहे तो आप शक्कर का ही भोग लगाएं, परंतु नैवेद्य अवश्य रूप से पूजन में शामिल करना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नैवेद्य या कोई भी पूजन सामग्री महादेव पर चढ़ी हुई बिना महादेव की आज्ञा अनुसार हमें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। पहले महादेव से आप प्रार्थना करें, यदि बेलपत्री शिवलिंग से उठा रहे हैं, कोई फूल ही उठा रहे हैं, आशीर्वाद स्वरूप महादेव से प्रार्थना करने के बाद ही हमें उठाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु बिना उनकी मर्जी से उठाई नहीं जा सकती। और साथ ही साथ जो भोग अर्पित किया जाता है शिवलिंग के समक्ष, उस भोग को भी यदि शिवलिंग से छुआ दिया जाए, यदि आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो फिर आप उस भोग को ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो अन्य भोग को पंडित जी की अनुमति से ही आपको ग्रहण करना चाहिए। कुछ अन्य और आखिरी कुछ बातें, क्योंकि पूजा जितनी की जाए उतनी कम है, परंतु ये छोटे छोटे से नियम है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जब भी आप शिवलिंग का पूजन अर्चन करें, कभी भी खड़े होकर जल अर्पित ना करें। मैं मंदिर घर के सामने ही अक्सर देखती हूँ पुरुष जो कि बहुत जल्दी में होते हैं, आते हैं खड़े खड़े जल अर्पित करके चले जाते हैं। 2 सेकंड बैठिए, उसके बाद आपको जल अर्पित करना चाहिए, मतलब बैठ कर जल अर्पित करना चाहिए, खड़े होकर जल अर्पित ना करें। थोड़ा सा भगवान के लिए समय निकाला है तो कम से कम बैठने का समय जरूर निकालें। सबसे पहले आपको नंदीश्वर जो कि नंदीगण होते हैं उन पर थोड़ा सा जल अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर माता के हस्त कमलों पे और शिवलिंग के ऊपर हमें जल अर्पित करना चाहिए। और यदि ऊपर जलाधारी लगी हुई है जहां से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है, वहां पर हमें जल अर्पित कर देना चाहिए, जहां शिव जी के पांचों कन्याओं का स्थान बतलाया गया है। तो बैठ कर ही हमेशा जल अर्पित करें, और महादेव के मंत्रों का जाप आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। श्रावण मास में ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप आपको जरूर करना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद आधी प्रदक्षिणा जरूर करें, बिना प्रदक्षिणा के आपका जल पूर्ण नहीं माना जाता चढ़ाया, तो आधी प्रदक्षिणा आपको जरूर करनी चाहिए। जल जहां से गिरकर नीचे जाता है अर्घ्य को उल्लंघना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही
अर्घ्या के सामने बैठकर जलाधारी जहां से जल गिरकर नीचे जाता है वहां सामने बैठकर कभी भी आपको पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और दो चीजों का विशेष रूप से अपने जीवन में ध्यान रखिएगा, शंख का जल सूर्यदेव को नहीं चढ़ाया जाता और शंख से कभी भी महादेव का अभिषेक नहीं किया जाता। तो इन दोनों बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आखिरी और बहुत काम की बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं, जब भी आप घर में भी अपने शिवलिंग स्थापित करते हैं या फिर मंदिर में जाते हैं, आपको मंदिर में जो शिवलिंग का ऊपरी सिरा है जहां हम बिलपत्र अर्पित करते हैं, यदि वह सिरा खाली है तो वहां पर या तो आप चंदन से तिलक कर दीजिए या फिर थोड़े से जौ, काले तिल, कुछ भी पूजन की सामग्री रखिए, परंतु उसे शून्य मत छोड़िए। यदि इन गलतियों को किया जाए, महादेव का मस्तक शून्य छोड़ दिया जाए, तो उससे जीवन में मां रोगों की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी दुष्ट हो जाती है और आपके जीवन में संकटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए शिवलिंग यदि आपके घर में है या फिर आप मंदिर गए हैं तो शिवलिंग के मस्तक को कभी भी शून्य छोड़कर ना आए। ये सारी चीजें हमें लिंग पुराण में पढ़ने को मिलती है। तो महादेव का जब भी आप पूजन अभिषेक करते हैं, जब भी घर में भी आप यदि शिवलिंग रखे हुए ना, तो चंदन का लेप करके उसके ऊपर काले तिल आप चिपका दीजिए, अगर आप रोजाना बेलपत्र नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो। और अन्य चीज, जब भी आप महादेव के मंदिर से वापस आते हैं तो धीरे धीरे पीछे की तरफ आए, कभी भी भगवान को पीछे दिखाते हुए हमें नहीं आना चाहिए, भगवान की ओर मुख करते हुए हमें पीछे आना चाहिए, प्रणाम करने के बाद ही हमें अपने घर को वापस लौटना चाहिए, पीठ दिखाकर तुरंत कभी भी मंदिर से हमें नहीं आना चाहिए। और मंदिर में जल चढ़ाने के बाद हो सके तो 2 सेकंड बैठ के 11 बार ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। श्रावण मास चल रहा था इसीलिए छोटी छोटी जानकारी आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करी है। पूजन कोई सा भी हो, महादेव स्वीकार करते हैं, परंतु ये सारी चीजें जो कि हमें जब शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है तो इसका खंडन हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करा, वीडियो अच्छा लगा हो, सही में लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा भी यदि आपको अन्य जानकारी हो तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवानी मस्तु भी, माता रानी दोस्तों।